अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर निशुल्क तैयारी सभी एग्जामों की कराई जाती है, अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। तो आप लोग इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली या सतपुड़ा की पहाड़ियाँ? तो इसका आंसर है अरावली, ये सबसे पुराने पहाड़ हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा डॉट डॉट में स्थित है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बताएं किस देश में है? तो नाथुला दर्रा है वो भारत के सिक्किम में स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, गोबी, टकला मकान, काराकोरम, बताएं इसका आंसर। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम गोबी, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? गोबी मरुस्थल विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, इसका एक भाग मंगोलिया देश में आता है, किसमें? मंगोलिया। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है मालाबार, कक्कड़, कन्नड़, उत्तरी सरकार। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है मालाबार, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं, कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी निकलती है तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से, बताएं इसका आंसर। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर का मतलब होता है कि बर्फ का जमा हुआ, जो पान बर्फ जमा हुआ होता है उसको पिघलने से जो पानी बनता है उसको ग्लेशियर कहते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा, यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? नर्मदा नदी यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है तो किस जगह है, बताएं इसका आंसर। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? बताएं इसका आंसर। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से, देवप्रयाग में मिलने से यह नदी गंगा बन जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा गंगा, सबसे लंबी नदी गंगा। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी के क्षेत्र का निर्माण करती है? बताएं इसका आंसर। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी के निर्माण करती है? तो वो है गोदावरी। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? बताएं। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी। बताएं। कावेरी, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, ये भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वांगड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? वांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलुज पर है। किस पर? सतलुज। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टेहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। किस पर? भागीरथी। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी योग नाम का एक वृक्ष है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। डी इसका करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? बताएं। तो कैक्टस, बी इसका करेक्ट आंसर, कैक्टस। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर ऊंची होती है। करेक्ट। इस वृक्ष की जड़ है नीचे, वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए। ये भी करेक्ट है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ये भी सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया है। ये गलत है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल, शहतूत। बताएं इसका आंसर। तो सदाबहार पेड़ नहीं है शहतूत। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं गर्म तथा विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका आंसर। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है?
बताएं इसका आंसर। पश्चिमी घाट, सी इसका करेक्ट आंसर, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है बताएं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है बताएं किस राज्य में है? एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं बताएं आप लोग, कहां पर हैं? महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई तट पर, एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, कितनी बताएं इसका आंसर? मानसूनी वन कहां पर पाए जाते हैं जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताएं? मैकमोहन रेखा, मैगी नॉट रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सर क्रिक रेखा, क्या कहा जाता है बताएं इसका आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गोवा की समुद्री सीमा है, गुजरात की समुद्री सीमा है, गोवा की समुद्री सीमा है, महाराष्ट्र की है, लेकिन राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 382, 324, 421, 518 बताएं इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व होता है 382 वर्ग किलोमीटर, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है कितना है बताएं इसका आंसर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं बताएं इसका आंसर। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं बताएं? कर्नाटक और तमिलनाडु, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश की सीमा करती है, पश्चिम बंगाल की करती है, झारखंड की करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की नहीं करती। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समुद्र समूह के समुद्रीय तट अरब सागर पर स्थित? कर्नाटक, केरल, गुजरात। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो झारखंड हमारे मानचित्र में ओडिशा के उत्तर में है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? बताएं इसका आंसर। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। सी इसका करेक्ट आंसर। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होती है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? बताएं इसका आंसर। तो गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। डी इसका करेक्ट आंसर। विशाखापट्टनम का है आंध्र प्रदेश। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताएं इसका आंसर। तो निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो राजस्थान। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात में है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो इसका आंसर है गुजरात। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश से सर्वाधिक है और सबसे कम अफगानिस्तान से है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? तो आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम टुंड्रा है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ड्रैगन स्वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आज के ये टॉपिक, आज की ये सभी क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर।